हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE से जुड़े कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहां पर बात करेंगे क्यों ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया जिंदर महाल पर इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। इसके अलावा बात करने वाले हैं क्यों डीन एम्ब्रोस ने जला दी शील्ड की वेस्ट इस रॉ के एपिसोड में, और साथ में हम बात करने वाले हैं जॉन सिना की बम्बलबी मूवी के न्यू पोस्टर के बारे में। तो देख इस बात की शुरू करते हैं। आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें टू टाइम यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर आते हुए नजर आए, जहां पर इनके सेगमेंट के दौरान हमें बीच में शांति का यूज़ करते हुए नजर आए, और वो थे द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल, जहां पर रिंग पर अटैक हो गया जिंदर महाल पर और ब्रॉक लेसनर ने F5 और सूप लेना शुरू कर दिया सुनील सिंह, समर सिंह एंड जिंदर महाल को। तो यहां पर रीज़न इनके सामने आ रहा है यहां पर ब्रॉक लेसनर का अटैक इसलिए वो जिंदर महाल पर, क्योंकि WWE इस बात को दिखाना चाहती थी कि अगर एजे स्टार वर्सेज ब्रॉक लेसनर की जगह जिंदर महाल वर्सेज ब्रॉक लेसनर का मैच होता है पिछले साल सर्वाइवर सीरीज में, तो वहां पर क्या हाल होने वाला था जिंदर महाल का। और यहां से WWE ने इस बात को भी दिखा दिया कि उस मैच में भी काफी आसानी से ब्रॉक लेसनर जीत हासिल कर लेते। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जुगी जुड़े थे लुनाटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस के बारे में और सेथ रॉलिंस के बारे में, क्योंकि इस रॉ के एपिसोड में हमें देखने मिला किस तरह से डीन एम्ब्रोस का जो हील टर्न वाला लेवल था वो एकदम अलग ही लेवल पर चला गया, क्योंकि उन्होंने अब शील्ड को वेस्ट को जला दिया है। तो यहां पर रीजन ये निकल के सामने आ रहा है, यहां पर WWE दिखाना ये चाहते थे कि डीन एम्ब्रोस अब पूरी तरह हील टर्न हो चुके हैं, उनका जो लेवल है हील टर्न का वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ में WWE ये भी दिखाना चाहती थी कि डीन एम्ब्रोस शील्ड से तंग आ चुके, क्योंकि डीन एम्ब्रोस बार बार सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की मदद करते हैं, जिसके कारण वो WWE में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाते। फिलहाल हमें एजे स्टार का मैच देखने को मिलने वाला ब्रॉक लेसनर के साथ, लेकिन इसके अलावा सेथ रॉलिंस अभी शिंसुके नाकामुरा का फेस करने वाला, तो देखना ये होगा इन दोनों सुपरस्टार का फ्यूड कब शुरुआत होता है, और सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के फ्यूड में कितनी बड़ी और इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जुगी जुड़ी है सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सिना के बारे में, क्योंकि जॉन सिना की एक अपकमिंग मूवी आने वाली जुगी मूवी है बम्बलबी, जहां पर हमें जॉन सिना एक काफी बढ़िया करेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंटली जॉन सिना ने एक नवा पोस्टर लॉन्च कर दिया है बम्बलबी मूवी का, जुगी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जहां पर इसमें हमें बम्बलबी देखने मिल रहे हैं, उस मूवी के एक और करेक्टर देखने मिल रही है, साथ में नीचे हमें देखने मिल रहे हैं सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सिना। तो यहां से जॉन सिना एक बार टीज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो बम्बलबी मूवी है वो हमें सबको देखनी जानी चाहिए, और यहाँ पर जॉन सिना कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मिस कर दिया, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, जहाँ से आप आज के रॉ के सभी बड़े हाइलाइट्स के बारे में जान पाओगे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, और जॉन सिना के इस न्यू पोस्टर के बारे में आपका क्या कहना है। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलते रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।